बीसीसीआई ने अगले 5 साल यानी कि 2023 से लेकर 2028 तक के लिए मीडिया राइट्स की नीलामी कर दी है और मुकेश अंबानी की वाईकॉम 18 ग्रुप ने ये राइट्स अपने नाम कर लिए हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। वो लिखते हैं कि अगले 5 सालों के लिए बीसीसीआई के डिजिटल और टीवी चैनल मीडिया राइट्स हासिल करने पर वाईकॉम 18 ग्रुप को बधाई। मीडिया क्रिकेट भारतीय क्रिकेट दोनों जगहों पर निरंतर विकास जारी रखेगा क्योंकि आईपीएल और महिला प्रीमियर लीग के बाद बीसीसीआई तक हमने अपनी साझेदारी आगे बढ़ाई है। साथ मिलकर हम क्रिकेट फैंस की कल्पना को साकार करेंगे। बीसीसीआई ने इन 5 सालों के लिए मीडिया राइट्स ई नीलामी के जरिए बेचे हैं। इन राइट्स को खरीदने के लिए रेस में वाईकॉम 18 के अलावा डिज्नी और सोनी भी शामिल थी। इन 5 सालों में 88 घरेलू मुकाबले होंगे जिनमें 25 टेस्ट, 27 वनडे और 36 T20 इंटरनेशनल शामिल है। इन मुकाबले में भारतीय महिला टीम के मैच शामिल नहीं है। वाईकॉम 18 को महिला क्रिकेट के मुकाबले के राइट्स फ्री में मिल गए हैं। टीम इंडिया के घरेलू मैचों के प्रसारण का राइट इससे पहले स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास था जो पिछले 11 सालों से लगातार इन राइट्स को हासिल किए हुए था। अब वाईकॉम 18 ने उन्हें मात देते हुए टीवी के साथ साथ डिजिटल के भी राइट्स हासिल कर लिए हैं। इसको लेकर क्रिकबस की रिपोर्ट के अनुसार वाईकॉम ने 67.8 करोड़ रुपए एक मैच को लेकर बोली लगाई है जो पिछले बार के मुकाबले 7.8 करोड़ रुपए ज्यादा है। पिछली बार साल 2018 में डिज्नी हॉटस्टार ने मीडिया राइट्स हासिल किए थे। इसके लिए डिज्नी ने 6,138 करोड़ यानी कि प्रति गेम 60 करोड़ रुपए चुकाए थे। इस बार वाईकॉम 18 आने वाले 5 सालों में कुल 5,966 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। देखा जाए तो वाईकॉम 18 प्रति मैच 67.8 करोड़ रुपए चुकाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सितंबर महीने में होने वाली घरेलू वनडे सीरीज के साथ शुरू होने वाले इस कॉन्ट्रैक्ट में वाईकॉम 18 को अगले 5 सालों में टीम इंडिया के 88 अंतर्राष्ट्रीय मैचों को दिखाने का मौका मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2028 के मार्च महीने में खत्म होगा। अब टीम इंडिया के घरेलू मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा पर होगी। देखिए, आपको सरल भाषा में इंडियन क्रिकेट मीडिया राइट्स की कहानी जो है वो समझाते हैं। आईसीसी इवेंट जो 2024 से लेकर 2027 तक होंगे वो टीवी पर जी और सोनी पर आएंगे। डिजिटल की बात करें तो वो हॉटस्टार बनेंगे यानी कि जो आने वाला वर्ल्ड कप है वो आपको इन्हीं जगहों पर देखने को मिलेगा। इंडियन होम मैचेस जो जिनकी नीलामी हुई है जिन राइट्स की वो है 2023 से लेकर 2028 तक टीवी पर आप स्पोर्ट्स 18 पर देख पाएंगे, डिजिटल पर आप जियो सिनेमा पर देख पाएंगे। आईपीएल की बात करें तो 2023 से लेकर 2028 तक की जो राइट्स हैं वो टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स को हैं और डिजिटल पर जो हैं वो जियो सिनेमा को दिए गए हैं। तो उम्मीद है आपको मीडिया राइट्स की जो गणित है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही तमाम कॉन्टेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइफ।